मोतिहारी शहर के पत्रकार भवन में बिहार नवयुवक सेना के तत्वावधान में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आने वाले 2 अक्टूबर से पहले जिले में 1,00,000 सक्रिय सदस्य हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। और यह 1,00,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने इसलिए रखा है कि आने वाले समय में दो मुद्दा, इस जिले का दो ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को हमेशा राजनीतिक दलों के द्वारा, यहाँ के बड़े लोगों के द्वारा, मेडिकल माफियाओं के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा उसको दबा के रखा जाता है और इतना भय व्याप्त कर दिया जाता है कि कोई उसके खिलाफ में आवाज तक उठाने को तैयार नहीं है। तो नवयुवक सेना का इतिहास रहा है, शुरू से हमारे संगठन का जन्म ही हुआ है आंदोलन से, हमारे संगठन का जन्म ही हुआ है प्रयास करने से। इस जिले का जो भी नैतिक समस्या रहा है उसके खिलाफ, अगर उसके समर्थन में हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया है, इसलिए यह टीम जो 1,00,000 सक्रिय सदस्यों का टीम बना रहे हैं, दो मुद्दा पर कड़ा रूप से आंदोलन करने का काम करेगी। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और शिक्षा के मामले में जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि एक महीना का समय जिला में जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक महोदय हैं, प्रधानाध्यापक महोदय हैं, हम सभी लोगों को हाथ जोड़कर एक महीना का समय दे रहे हैं। और एक महीना के समय के अंदर जितने भी प्राध्यापक लोग हैं, आप लोग अपने स्कूल का समस्या का सुधार करिए। बोर्ड नहीं है तो उसकी लिखित सूचना, स्कूल में अगर आपके लाइट की व्यवस्था नहीं है उसकी सूचना, अगर शौचालय गंदा है, कल का पानी का पीने का समस्या है उसकी सूचना लिखित रूप में एक प्रतिकॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे, दूसरा प्रति जिला पदाधिकारी को दे, डीएम साहब को दे। और एक महीना के अंदर आप अगर उसको नहीं देते हैं वहां पे, अगर आपके स्कूल का समस्या का सुधार नहीं होता है, तो निश्चित और निश्चित रूप से बिहार नवयुवक सेना की अगर टीम आपके स्कूल पर पहुंचती है सर्वे करने, और स्कूल का सर्वे करने का और स्कूल का जांच करने का अधिकार केवल शिक्षा पदाधिकारी को नहीं है, एक आम आदमी को भी है, एक गार्जियन को भी है, एक नौजवान को भी है कि अपने जिले का शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है, उसमें हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हाल पूछ सकते हैं। तो एक महीना में अगर आपने आवेदन नहीं दिया जिला शिक्षा पदाधिकारी को, हमारा बोर्ड पोर्टल है, फर्श फूटल है, शौचालय गंदा है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, अगर इस समस्या अगर हम लोग को सुनाइए दिखाइएगा तो चलने वाला नहीं है। आप हमारे पहुंचने से पहले एक महीना बाद, अगर आप पहुंचते उसके पहले आप लोगों को सुधार करना होगा, नहीं तो आपके खिलाफ हम पूरा गांव वालों के साथ मिलकर आंदोलन करने का काम करेंगे। और दूसरा स्वास्थ्य, जिसमें हम शुरू से आंदोलन करने का काम करते हैं, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको बार बार का राज्य घूमने से